आप देख रहे हैं नित्यानंद टीवी, नित्यानंद टीवी में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। और मैं आपके साथ विनोद कुमार। इस वक्त की बड़ी खबर सीपी जिले से आ रही है, जहां कोरोना जैसी महामारी के चलते एक और पूरे देश में अलग अलग गाइडलाइन जारी की जा रही है। तो वहीं सीपी जिले के ग्राम खोड़ में ग्राम बासी पंचायत की सचिव की लापरवाही देखने को मिल रही है। हालत इतनी गंभीर हो चुकी है कि ग्राम के मुख्य मार्ग आसमानी मंदिर के रास्ते से निकलना तो दूर की बात, एक ओर जहां नालियों के गड्ढे तो दूसरी ओर नालियों के गड्ढों में गिरने के कारण कई लोग घायल हो जाते हैं। तो वहीं गंदगी की दुर्गंध के कारण कई बीमारी अपना पैर पसार रही हैं, परंतु सरपंच सचिव यहां सब देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। पिछोर से दीपक गुप्ता की रिपोर्ट। समस्या ये, सरपंच सेक्रेटरी से कह गए थक गए, वो सुनवाते नहीं है। ये हरजन मोहल्ले से निकलते हैं, हम जितने भी लोग हैं बहुत परेशान हैं इस कचड़े से, सुनवाई नहीं करते हैं, कई बार शिकायत करते हैं। हम यहाँ 10 साल से आ रहे हैं लेवल लेने के लिए मुरैना से, तो हमको यही पोजिशन दिखाई देती है। हम विकलांग के हैं, हमको चला फिला नहीं पड़ता है, गाड़ी वहाँ पर रोड पर खड़ी करके आते हैं, तो हमें यही समस्या दिखाई देती है, 10 साल से दिखाई दे रही है। महंगी खुद देखते, अब सरपंच यहाँ वो खूब निकलते हैं, उनको खुद देखना चाहिए ये बात की गंदगी ये क्या है। अपन क्या शिकायत कर सकते हो जब स्वयं नहीं कर रहे हैं। कितने दिनों से है ये गंदगी जी? 5-6 साल हो गए। 5-6 साल से कोई सुनवाई नहीं हुई? नहीं, बोरे जी के ज़माने में इसमें सीसी डली थी, फिर इसके बाद जी पानी बरसा, बारिश आई तो जी गंदगी कट गई और ख़त्म हो गई।